आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने महापुरुषों के मुख से सुना है, श्री मधुसूदन सरस्वती के संबंध में कि श्री मधुसूदन सरस्वती संन्यास ग्रहण करने के पूर्व उनके मन में भावना थी कि मैं दरिद्र अकिंचन ब्राह्मण हूं, लक्ष्मी कृपा करें और हम श्रीमान हो जाएं। ब्राह्मण के लिए गायत्री उसकी उपास्या आराध्या है, तो आपने गायत्री के सविधि पुरस्करण किए। महाराज जी, भगवती महालक्ष्मी पराम्बा के दर्शन के लिए एक पुरस्करण नहीं, दो पुरस्करण नहीं, 17 पुरस्करण किए। कितने पुरस्करण? 24 लाख गायत्री के 17 बार जप किए उन्होंने, और महाराज भगवती ने आकर दर्शन ही नहीं दिया, तो बड़े दुखी हो गए। बोले इससे अच्छा तो है कि अब क्या धन लेकर भी करेंगे क्या, अब तो संन्यास लेना चाहिए, संन्यासे सर्वथा सुखम। तो आपको वैराग्य हो गया और आपने संन्यास ले लिया। तो महाराज जी, जिस दिन संन्यास लिया उसी दिन भगवती पराम्बा ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। तब आप अत्यंत उदासीन होकर बोले कि भगवती, अब तो मुझे किसी लौकिक पदार्थ की, वैभव की, संपत्ति की अपेक्षा ही नहीं है, अब आप क्यों दर्शन दे रही हो? आपको दर्शन देना ही था तो पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? तब भगवती ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रही हूं, तुम जान सकोगे कि तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ। तो महाराज जी, भगवती ने दिव्य दृष्टि दिया तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने देखा कि 17 बड़े बड़े भयंकर पहाड़ धू धू करके जल रहे हैं। घबरा गए, इतने बड़े बड़े भयंकर पहाड़, वो घनघोर जंगल लगा हुआ है, आकाश तक लपटें छू रही हैं, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, माताजी यह क्या है? उन्होंने कहा, ये 17 पर्वत तुम्हारी संचित पाप राशि है, ये गायत्री के पुरस्करण से जलकर भस्म हुई है, सर्वथा निष्पाप हुए बिना मेरा दर्शन कैसे होगा? तो अब कैसे हुआ? तो 18वां पर्वत दिखाया, वो भी जल रहा था। बोले इतना अभी भी शेष था संचित, वो संन्यास ग्रहण करने से जल गया। क्योंकि संन्यास ग्रहण करना भी एक बहुत पवित्र काम है, तो इस पवित्र साधन से बचा खुचा संचित जल गया और अब तुम निष्पाप हो गए हो, तब मेरा दर्शन तुम्हें मिला है। ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। संचित बहुत भारी है, बहुत भयंकर है। संचित में से प्रारब्ध बनता है, इसलिए संचित में तो सब एक साथ इकट्ठा है, अब उस इकट्ठे में से एक अंश निकालना है, तो किस जन्म का कौन सा कर्म आ जाए प्रारब्ध के रूप में, नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह बात किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, अरे हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया।
हमने सदा सबकी भलाई की है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, भगवान का हम भजन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, पर हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा विचार बुद्धिमान ज्ञानवान विवेकी सत्संगी पुरुषों को कभी भी नहीं होता। बहुत से लोग यही कहते हैं, महाराज जी एक जगह हम गए महाराज जी, तो डॉक्टरों ने कहा, मेडिकल कॉलेज था, डॉक्टरों ने कहा कि रविवार के दिन हम लोग बैठेंगे सत्संग करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छे सब डॉक्टर पढ़ाने वाले, जो डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर सब इकट्ठे हुए। तो हमने कहा कि कोई प्रश्न पूछो, उसके ऊपर सत्संग करें। झांसी की बात है, पुरानी बात। तो महाराज जी एक उनमें सबसे अच्छे डॉक्टर, पढ़े लिखे बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्होंने यही बात पूछी। उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग भजन कीर्तन सत्संग भक्ति और भगवान और उनकी शरणागति की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, हमारी तो कुछ समझ में आता नहीं, क्यों क्या समस्या है? बोले बड़े बड़े महात्मा हम लोगों के पास इलाज कराने आते हैं, तो हम सोचते हैं कि संसार में ऊटपटांग खाने वाले लोग, जैसा तैसा कर्म करने वाले लोग, वो भी जब बीमार होके यहां आते हैं, और बेचारे दिन रात भजन करने वाले महात्मा भी बीमार होके यहां आते हैं, कथा कीर्तन करने वाले भी बीमार होके यहां आते हैं, तो हमको लगता है कि कोरी कल्पना मात्र है, भजन कीर्तन से कोई लाभ नहीं है। क्या फायदा है बताओ? उसकी बीमारी दूर नहीं हुई, वो ठीक नहीं हुआ, परेशान है, गरीब है, अब दुष्ट लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो क्या कारण है? फिर दास ने चर्चा किया और उनको कहा कि देखो वर्तमान समय में जो कुछ भजन साधन आदि किया जा रहा है वह क्रियमाण है, और उस क्रियमाण का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। इस जीवन में जो भोगने के लिए मिला है वह तो उनके संचित का, संचित से आया हुआ प्रारब्ध है, और इस प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। यदि उसका भोग शेष रह जाएगा तो दुख में संसार में फिर से आना पड़ेगा। वैष्णवों को भय इसलिए नहीं है कि संचित भगवान की शरण ग्रहण करने से नष्ट हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबही, जन्म कोटि अघनास ही तबही, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संचित नष्ट हो गया, जिस दिन भगवत शरणागति हुई उसी दिन संचित नष्ट हो गया, और अब तक जब तक भगवत शरणागत नहीं हुए थे तब तक क्रियमाण कर्म अपने लौकिक सुख स्वार्थ वासना की पूर्ति के लिए करते थे, अब भगवत प्रीत्यर्थ करेंगे और करने के बाद भगवान के चरणों में ही उसका निवेदन कर देंगे। करोति यद्यत सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत तत्। तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहा भाई, क्रियमाण संचित एक बार तो भस्म हो गया, अब क्रियमाण से संचित बनेगा, और क्रियमाण जब भगवान के चरणों में अर्पित हो गया तो उससे संचित का निर्माण होगा नहीं, तो संचित का बंधन तो समाप्त हो गया, और क्रियमाण भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। अब बचा क्या? अब केवल वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो बचा है वो केवल और केवल प्रारब्ध ही भोगने के लिए अवशिष्ट है, और भगवत कृपा से इतना बड़ा संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण का भी बंधन नहीं रहा, क्रियमाण भी भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। तो केवल इस देह से जिसका संबंध है वो केवल और केवल प्रारब्ध बचा है, उसको भगवत कृपा से हम भोग ही लेंगे। हमने 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 60, 70 वर्ष का प्रारब्ध भोग लिया, तो अब बचे खुचे को भी भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, ये आत्मकृतम विपाकम इतिमत्वा भुंजानम एव, ये अपना ही किया हुआ है, ऐसा कहकर भगवत कृपा का आश्रय लेकर के प्रारब्ध का भोग करता है और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मान लो कोई क्रियमाण कर्म ऐसा बन जाए, शुभ अथवा अशुभ, ध्यान से सुने, शुभ अथवा अशुभ कोई क्रियमाण कर्म ऐसा बन गया जो भगवत प्रीत्यर्थ न किया गया हो,
भगवान को निवेदित न किया गया हो, दुर्भाग्यवश बन गया हो, दुस्संगवश बन गया हो, तो क्या उसको भोगने के लिए संसार के चक्र में शरणागत भक्त को वैष्णव को पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा है जो भगवान के भक्त की उपासना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सेवा करते हैं, उनमें उनके शुभ चले जाते हैं, और जो भक्त का तिरस्कार करते हैं, भक्त की निंदा करते हैं, भक्त का अपमान करते हैं, उनमें उनके अशुभ चले जाते हैं, और भगवान का शरणागत भक्त शुभ और अशुभ से मुक्त होकर, कर्म बंधन से मुक्त होकर के श्री पंढरीनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाए। शरणागति संपूर्ण समाधान है।